हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी होम कुकिंग विद रिचा। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी। ये स्नैक्स हम होली, दिवाली, फेस्टिवल्स, इवन नॉर्मल डेज में भी अक्सर बनाते रहते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने स्नैक्स की रेसिपी को। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑल पे कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैदा लिया हुआ है। मैदे में मैं गरम घी मिक्स करूँगी। गरम घी इसलिए डाल रही हूँ ताकि मेरी मठरी और नमक पारे जो कि मैं बनाने वाली हूँ वो बहुत क्रंची बने। तो हमेशा जब भी मठरी और नमक पारे आप बनाएँ तो उसमें गरम घी डालें और उसको बहुत केयरफुली मिक्स करें, क्योंकि घी गर्म है, आपका हाथ जल सकता है। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब उसमें अपने हाथ लगाएं, उससे पहले उसे स्पून से ही मिक्स करें। अब हमारा घी ठंडा हो चुका है तो मैं इसे हाथों से मिक्स करूंगी। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि ऐसा करने से आपकी मठरी और नमक पारे बहुत क्रंची बनते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट इसे बहुत अच्छे से करें। अब यहाँ पे हमारा घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस मैदे को मैं अब दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। आधे से मैं मठरी बनाऊँगी और आधे से मैं नमक पारे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मैदा डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी बारीक सूजी ऐड करूँगी। बारीक सूजी अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सी में इसे चला लीजिए, मोटी वाली सूजी को, तो आपकी बारीक सूजी रेडी हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, ठीक है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसालों में मैंने कसूरी मेथी, कलौंजी, थोड़े से तेल, अजवाइन, रेड चिली फ्लेक्स और काली मिर्च का पाउडर लिया हुआ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम घी और ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसमें सूजी ऐड की है। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसमें अभी पानी को ऐड नहीं करना है, पहले हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से कंबाइन हो चुकी हैं, इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ चुकी है। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक टाइट डो रेडी करेंगे। इसमें पानी एक साथ नहीं डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसका एक टाइट डो रेडी करना है। अब हमारा डो रेडी हो चुका है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसको मैंने करीब 7 से 8 मिनट अच्छे से मसला है। अब हम इसे रेस्ट करने देंगे और अपना दूसरा डो रेडी कर लेंगे। अब मैंने बाकी के जो आधा मैदा हमने अलग किया हुआ था उसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन मैं क्रश करके डाल रही हूँ, ऐसा करने से इसका फ्लेवर अच्छे से आता है। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। अब मैं इसमें भी थोड़ा सा गरम घी ऐड करूंगी, बट घी पहले वाले डो के मुकाबले इसमें थोड़ा सा कम ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें और कुछ और ऐड नहीं किया है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका भी एक टाइट डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा घी मैदे में अच्छे से कम्बाइन हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक टाइट डो रेडी कर लूँगी। अब हमारा नमक पारे का डो भी अच्छे से रेडी हो चुका है। इसे मैंने बहुत टाइट गूंथा था बट 7 से 8 मिनट तक बहुत अच्छे से मसला है, तो ये सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए रख दूँगी और तब तक अपना जो पहले डो रेडी किया था मठरी वाला, उससे मठरियाँ कट कर लूँगी। ये दोनों तरह की डो रेडी करने में मैंने करीब 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, उससे ज़्यादा पानी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो याद रखें, जब भी आप मठरी और नमक पारे के लिए आटा गूंथते हैं तो उसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मसल मसल कर गूंथें। अब हमारा मठरी का डो एकदम रेडी हो चुका है तो मैं इसे हल्का सा और गूंथ लूँगी और इसे सॉफ्ट कर लूँगी। फिर इसमें से एक पेड़ा कट करूँगी। और इसे बेलन की मदद से अच्छे से बेल लूँगी। तब तक जो बाकी बचा हुआ डो है उसे ढककर रखें, नहीं तो वो सूख जाएगा। इसे हमें ना तो बहुत पतला बेलना है और ना ही बहुत मोटा बेलना है। ये थोड़ा सा टाइट होता है तो
बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ा प्रेशर देकर बेलना पड़ता है, बट जितना टाइट डो होगा मटरियाँ उतनी ही खस्ता बनेंगी। अब एक फोक की मदद से इस तैयार रोटी को मैं अच्छे से प्रिक कर लूँगी। ऐसा करने से आपकी मटरियाँ जब आप तेल में फ्राई करेंगे तो फूलेंगी नहीं। मैंने अपनी रोटी रेडी कर ली है, तो मैं इसे एक नाइफ़ की मदद से कट कर लूँगी। आप कट करने के लिए पिज़्ज़ा कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में, स्क्वायर शेप में, डायमंड शेप में, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे नमक पारे कट हो चुके हैं, ऐसे ही हम बाकी के नमक पारों को भी कट कर लेंगे। अब मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से नमक पारे कट करना बताती हूँ। इसे चंपाकली शेप बोलते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे भी अपने घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। इसके लिए मैं सेम अभी मैंने छोटे साइज़ की लोई ली थी और इसे ओवल शेप में बेल लूँगी। अब हम कॉर्नर में एजेस को छोड़ते हुए पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लेंगे इसमें। अब इसकी साइड्स पे हम मैदे की स्लरी या फिर पानी लगाएंगे और इनको हाफ फोल्ड कर लेंगे। बहुत आराम से फोल्ड करें, नहीं तो ये बीच में से टूट जाएंगे। फिर अगेन हम इनकी एजेस पे स्लरी को लगाएंगे और इन्हें फिर से हाफ फोल्ड कर लेंगे और फिर से इसे हाफ फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ऊपर के पोर्शन को करेले के जैसे, जैसे करेले का ऊपर का पोर्शन होता है वैसा रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा मैदा जो है उसे हम हटा देंगे, वरना पकाने के टाइम पे ये बहुत मोटा हो जाएगा और कच्चा रह जाएगा। हमारी स्ट्रिप्स को हाफ में डिवाइड करके इसके अंदर से एक हिस्से को पास कराऊंगी। तो इस तरह से हमारा चंपाकली का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बहुत ईजी होता है बनाना। इसी तरह से हम बाकी के भी रेडी कर लेंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने तेल यहाँ पे अच्छा गरम किया था। इसमें हम अपनी कट की हुई मटरियाँ ऐड कर देंगे और इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फ्लेम को बहुत हाई नहीं रखना है, वरना मटरियाँ जल जाएंगी और ये अच्छे से पक नहीं पाएंगी। एक बार में आप जितनी मटरियाँ डाल सकते हैं डाल दीजिए। फिर उन्हें पलटते हुए
दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी मटरियों पे अच्छा सा कलर आ चुका है, तो मैं इन्हें तेल में से निकाल लूँगी और इसे टिश्यू पेपर पे रख दूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। और ऐसे ही अपनी बाकी की मटरियों को भी फ्राई कर लूँगी। अब सेम तेल में मैंने जो चंपाकली रेडी की थी उन्हें फ्राई कर लूँगी। इन्हें हम कढ़ाई में डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। तो अभी ये दोनों तरफ से अच्छे से पक चुकी हैं और दोनों तरफ से इनमें अच्छा सा कलर आ चुका है, तो मैं इन्हें तेल में से निकाल लूँगी। अब इस सेम तेल में हम अपने कट किए हुए नमक पारों को भी फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। नमक पारों को तलते टाइम लगातार चलाते रहें, ये एक ही जगह अगर आप इन्हें हिलाएंगे नहीं तो ये जल्दी जल जाते हैं और अच्छे से पकते नहीं हैं, तो इन्हें मूव करते रहें, इससे ये अलग भी हो जाते हैं। और इनको लो फ्लेम पे दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हम पका लेंगे। हमारे नमक पारे अच्छे से पक चुके हैं, तो अब हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे। और इसी तरह से अपने बाकी के नमक पारों को भी पका लेंगे। हमारा होली के लिए खस्ता और कुरकुरा नाश्ता एकदम रेडी है। ये नाश्ता आपके बच्चों को, आपकी फैमिली मेंबर्स को, आपके फ्रेंड्स को और आने वाले मेहमानों को ज़रूर पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को इस होली पर अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑल पे करें ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यमी सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।